सोच रहा था मैंने ना कि मैं डालूं या मत डालूं, तो आप अरे यार इतना सारा लेयर के बाद भी डर लग रहा है। लाइफ टू एक्सप्लोर एंड लाइफ ऑफ गोगी, मिलके देखो क्या धमाल कर रही हैं। अभी यार स्नो में आके खाने बन रहे हैं। नमस्ते नमस्कार जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत आपको स्वागत करता हूँ लाइव टू एक्सप्लोर में। पूरा कैंपिंग का सेटअप, और जैसे कि हमने लास्ट टाइम बोले थे जो जगह देख के आए थे स्नो वाला माउंट बाल्डी, उधर स्नो ही स्नो थे, तो स्नो कैंपिंग करने वाले हैं आज। वैसे आपको तो प्रीक्वल में थोड़ा बहुत मालूम पड़ गया रहेगा जो छोटा सा इंट्रोडक्शन में आता है। एक्चुअली हम वेट कर रहे थे हीटर का, क्योंकि हीटर बहुत ज़रूरी है कैंपिंग के लिए, तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेचर उधर -8 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो वी शुड बी फुली प्रिपेयर्ड। तो हमने ऑर्डर किया, मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये है। तो ये है मिस्टर हीटर। तो ये जो छोटा वाला सिलेंडर आता है ना प्रोपेन का, वो प्रोपेन उसमें चलता है, और डायरेक्टली आप बड़ा सिलेंडर में भी कनेक्ट कर सकते हो। हमने ये कनेक्टर भी लेके आया है, ये कनेक्टर सीधा इससे कनेक्ट होके पूरा रात भर चल सकता है। एक चीज़ सिर्फ ध्यान रखना है हमको कि कार्बन मोनोक्साइड जनरेट होता है ना ये जितना रात भर चलेगा तो डेंजर है थोड़ा, तो उसको ध्यान रखना है। 2 घंटे के बाद हमको, या जब तक सोने के लिए जाएंगे, होपफुली हमको शट डाउन करना पड़ेगा। वैसे टेंट पूरा वेंटिलेटेड है, हमारा जो अपर पार्ट है वो पूरा वेंटिलेटेड है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। बट नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, एक CO डिटेक्टर भी लेके चलेंगे साथ में टू बी सेफर साइड। स्लीपिंग बैग जो है ना वो नेगेटिव टेम्परेचर तक है, -10 डिग्री तक स्लीपिंग बैग हमारा जो है वो टेंशन नहीं है। और एयर बेड है, एयर बेड तो आपने ऑलरेडी हमारा कैंपिंग वीडियो देख लिए होंगे, 10 इंचेस है राइट, तो ज़मीन से ऊपर रहता है, तो जो नीचे का प्रॉब्लम है ठंडी का वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा जो स्लीपिंग पैड है, एयर बेड है, तो होपफुली सब कुछ अच्छा रहेगा। वेदर प्रेडिक्शन से हिसाब से कल सुबह स्नोफॉल हो सकता है, तो अगर होगा तो एक एक्स्ट्रा फन होगा, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड भी होगा। तो चलिए फिर, पैक कर लिए हैं ऑलरेडी, गोगी जी तैयार हो रहे हैं, उसके बाद निकलते हैं। बब्बन तो हमारे साथ नहीं आने वाली है, लास्ट टाइम तो टेंशन में आ गई इतना ठंड में, और पापा तो दूध पियेंगे नहीं, तो बब्बन कैंपिंग में, तो बब्बन नहीं आएगी। गोगी जी भी रेडी हो गए, हाय बोलो सबको, कैसे हो दोस्तों? आज पागलपंती होने वाला है, इट्स कॉल्ड अनदर डे अनदर डॉलर। तो आज डॉलर का मूड नहीं है, आज अनदर डे जीने का मूड है, तो जीना इसी का नाम है। सर, जिएंगे कि मरेंगे पता नहीं स्नो में, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसे मर भी गए ना तो भी खुश रहेंगे सर, वरना बातें सुन सुन के मरना पड़ेगा। बबन बाय बाय। ओके जी, चलो जर्नी शुरू करते हैं। डिस्टेंस ऑलमोस्ट 1 आवर का ड्राइव है, 45 माइल के आसपास। टाइम हो रहा है 12 o'clock, तो पहुँचते पहुँचते 1 बजेगा। थोड़ा मस्ती करेंगे, फिर टेंट पिच करेंगे इवनिंग को, हाँ, लेकिन धूप रहते ही हमको टेंट पिच कर लेना पड़ेगा। नहीं अभी जाके, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा टेंट सेट ओपन होगा ना, क्योंकि कल स्नोफॉल का प्रेडिक्शन है। नहीं ओपन तो होगा। एनीवे लेट्स सी, चलो हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं। मेरा लाइफ में पहली बार स्नो कैंपिंग होगा। कैंपिंग तो बहुत किए है, लेकिन स्नो में कभी कैंपिंग नहीं किए। नेगेटिव टेम्परेचर में किए थे, सही -7 -8 में हमता पास में, लेकिन ये तो अल्टीमेट होने वाला है। एक्सपीरियंस भी जो कुछ भी होगा अल्टीमेट होगा। अगर हमारा कैंपिंग हुआ सक्सेसफुली, अलाउड है, सब कुछ परफेक्ट है, मिला सब कुछ, तो बहुत ही फन करने वाले हैं। और गोगी जी का तो प्रमोशन है डायरेक्ट, मतलब 2 कैंपिंग के बाद सीधा स्नो कैंपिंग। सीधा स्नो कैंपिंग यार। इधर बहुत गर्मी है यार, उधर जाने के बाद ना पूरा हाथ पाथ फ्रीज हो रहे हैं। आपने ग्लोव्स ले लिया मेरे लिए? हाँ ले लिया। तो आपको कैसे भूल सकता हूँ, लास्ट टाइम ना हाथ फ्रीज हो रहा था। वैसे ये क्या बोलते हैं, जो थर्मल कपड़े ग्लोव सब कुछ मानी बोल रही थी लेके जाओ, मैंने बोला यार लॉस एंजलिस में उधर गर्मी रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री 7 डिग्री आता है, कब कहाँ यूज़ होने वाला, हमको क्या पता था ऐसा कांड करेंगे गोगी जी से मिल के। काफ़ी स्नो पिघल चुका है।
फ्रेंड्स निकल चले हैं एक और राइड पे हम, देखो पहाड़ों में क्या करें, हमारा इधर नीचे मन ही नहीं लगता, बोर हो जाते हैं हम। क्यों श्री भाई? सर मुझे तो जो बोलते ना, जब सिटी में मैं रहता हूँ ना, मजबूरी में ही रहता हूँ, चाहे अमेरिका हो कि इंडिया। श्री भाई लोग मुझे बोलते हैं कि श्री भाई के साथ ऐसा रहना, आप इतने जल्दी कैसे इतने अच्छे दोस्त बन सकते हो? तो भैया ये जो फ्रेंडशिप होती है ना, ये ऊपर से लिख के आई होती है। हम कौन होते हैं किसी को फ्रेंड बनाने वाले, ये तो भगवान ने जिसके लिए लिखा हुआ है ना वैसा ही होता है, तो मिल जाता है। हाँ मिल जाता है, क्योंकि वरना आज एक साल पहले कहाँ श्री भाई थे, कहाँ मैं यहाँ था, ये इंडिया में थे, कुछ पता नहीं था। तो मैं तो लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा यूएस आना पड़ेगा। अभी लेकिन मैं श्री भाई के साथ उड़ीसा जरूर, मैं वादा किया है बेंगलोर आऊंगा, फिर उड़ीसा भी आएंगे, सबको मिलके जाएंगे। yeah. आपका सभी को जिधर जिधर है आप लोकेशंस वगैरह हम उधर डाल के आपसे सबसे जितने लोग मीटअप का अनाउंस करके कर देंगे, जिसको जहाँ मिलना था वो मिल आ सकते हैं जब हम आएंगे। मीटअप करेंगे दोनों से मिल लेना, पे हम जिधर भी बेंगलोर पे भी और सबसे मिलके जाएंगे, कोशिश तो यही रहेगी। इधर सिर्फ इंडिया में हंकिंग नहीं होता, इधर भी हंकिंग होता है, लेकिन ऐसा जगह आएगा ना सब लोग करते हैं। सबको मस्ती चाहिए, मस्ती चाहिए। पहुंच गए जी, स्नो तो काफी हद तक मेल्ट हो चुका है बट फिर भी स्नो है। एक हफ्ते में कितना स्नो मेल्ट हो गया। ओ एंट्रेंस किधर है? गाड़ी लेके जा सकते हैं ना वैसे अंदर, देखते हैं कोई अच्छी सी लोकेशन। वैसे कैंप साइट में तो पहुंच गए, ये पूरा कैंप साइट है, तो हमको स्पॉट देखना पड़ेगा कौन सा स्पॉट में हम कैंप करेंगे। This is only campsite, right? No English. Okay, Spanish. चलो रेस्टरूम भी है तो टेंशन नहीं है, यही वाला है, मतलब फ्लस वाला नहीं है, खड्डा वाला काइंड ऑफ कंपोस्टिंग। हमको ऐसा जगह ढूंढना है जिधर थोड़ा धूप आता रहे, तो तभी सुबह भी जब उठेंगे ना तो इतना तकलीफ नहीं होगा, अगर छाँव में हम ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम है। उधर ढूंढना होगा वो साइड पे, हाँ जिधर धूप आ रहा है, तो उधर जाके पूछ लेते हैं और अपना कैंप उधर ही सेट करेंगे। ये देखो ये भी कैंपिंग करेंगे। कैंप साइट हमने सिलेक्ट कर लिया, ये जगह धूप भी आ रहा है तो लगभग 5 o'clock तक इधर सनसेट होता है, लेकिन ओब्वियसली पहाड़ों में तो जल्दी थोड़ा हो जाएगा 4 बजे तक। बट उम्मीद करता हूँ कि इधर ना इवन सुबह भी थोड़ा धूप आएगा, खुला खुला एरिया है और इधर से व्यू भी बहुत ज़बरदस्त है, पूरा पहाड़ हमारे सामने है बर्फ़ वाला, तो एकदम। गोगी भाई इधर है हमने टेंट भी लेके आ गए, अभी सेटअप करेंगे। फिलहाल एक कोई एक डे यूज़ के लिए आए हैं, डे कैंपिंग के लिए, कैंपिंग नहीं ऐसे ही डे पिकनिक के लिए, वो लोग निकल जाएंगे 3 बजे तक, तो हम इधर टेंट सेटअप कर लेंगे ये जगह पे, बेहतरीन व्यू। सांस फूल रहा है यार, चढ़ के आगे। हो गया हमारा टेंट सेटअप कंप्लीट, टाइम हो रहा है 3 o'clock और 2 घंटा बाकी है सनसेट होने के लिए। हम है मैनकर कैंपग्राउंड माउंट बाल्डी एट 6000 feet आल्टीट्यूड। टेम्परेचर अभी तो फिलहाल 5 degree है, लेकिन रात नेगेटिव में जाएगा, और हमारा ऑलरेडी इधर जो लोग थे ना वो थोड़ा आग छोड़ के गए हैं, हम लॉग लेके आए हैं तो हो जाएगा,
इसके ऊपर डाल देंगे तो कैंप फायर का कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी फिलहाल थोड़ा समय बिताते हैं, पूरा नज़ारा देखते हैं, क्योंकि जब तक धूप है तब तक मज़ा है, जब धूप गया फिर मज़ा भी गया। मज़ा गया इन द सेंस ठंडी बढ़ जाएगा, हमको चाहिए आग मज़ा लेने के लिए। तो बस थोड़ा समय के बाद आग का बंदोबस्त करेंगे, बाकी सारे सामान भी लेके आना है, हमारा जो बेडिंग सेटअप है, एयर बेड, बाकी सारे सामान कुछ भी नहीं लेके आए हम, सिर्फ टेंट लेके आए, टेंट सेटअप कर दिया, बाकी का धीरे धीरे करेंगे। यार पाइन को ना थोड़ा कलेक्ट कर लेते हैं, ये सबसे यूजफुल है, काफी जल्दी जलने वाला है, तुरंत आग पकड़ लेगा। सनसेट जस्ट होने ही वाला है तो टेम्परेचर भी बढ़ गया, इसलिए मैं 2-3 जैकेट डाल दिया, पूरा 4-5 लेयर हो गया, अभी टेंशन ही नहीं है। बनियन, उसके बाद शर्ट, उसके बाद एक थिन जैकेट, उसके बाद मोटा जैकेट, फिर इसके ऊपर पूरा टॉप में ये, तो अभी पूरा कंफर्टेबल लग रहा है। और हमको ना इंडिया के और नेपाल के भाई मिले ये कैंप साइड में, ऐसे ही हम बात कर रहे थे तो आप लोगों से मिलाता हूँ। अभी तो फिलहाल वो लोग सब फन कर रहे हैं इधर, हमने ना वो सर्फिंग वाला ये लेके आए थे, क्या बोलते हैं, सर्फिंग वाला जो कुछ भी है उसको बोलते हैं, वो लेके आए थे इधर स्लाइडिंग करने के लिए। इधर स्लाइडिंग कर रहे हैं, ये देखो बर्फ में आके फन नहीं किया तो क्या किया, ये भाई गिरा। अभी गोगी जी का टर्न, सर संभाल के, क्योंकि इतना फास्ट आता है ना, खुद को कंट्रोल करने के लिए मुश्किल होता है। हाँ नहीं सच में, नहीं तो जाके इधर सीधा टकराएंगे पत्थर में, यहाँ पे आएंगे, दिस इज सेफर, इसमें स्लो हो जाएगा, इसमें आ जाओ, गो गो गी, हाथ पकड़ा करो, हाथ पकड़ा करो, ये देखो संभाल के सर, ऑल ओके, बच गए मतलब, हाथ पकड़ा करो। ये देखो सारे हमारे भाई नेपाल के, इंडिया के, वी आर रियली एंजॉयिंग द मोमेंट्स। पकड़ा 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 पकड़ा, हाँ इस तरफ, हाँ हाँ, यस, हाउ वाज इट, So we are here having fun. Most fun ho gaya. You did it. You did it, Sudha. So hamare Raju Srivastav, Raju bhaiya jo the, bahut badi baat bol ke chale gaye. Jiski masti zinda hai, uski hasti zinda hai. Nahi to aadmi zabardasti zinda hai. To masti chahiye. Bahut cool, bahut cool. Nahi to kya bataya yaar? Yahi to fun hai. Absolutely. We agree. Maza aa gaya, maza aa gaya. Lo ji sunset bhi ho chuka hai. तो अभी हमारा प्रोग्राम शुरू करते हैं, फायर वायर और थोड़ा जलाएंगे, कुछ तो खाना पकाएंगे, फिर लाइट का इंतज़ाम करना पड़ेगा, लाइट तो वैसे लेके आए हैं फुली चार्ज करके, तो होपफुली देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। देख के सर पिछोड़ा जल जाएगा, इसी को गर्म कर रहा हूं। अभी स्नो में स्लाइडिंग करके आए तो अभी सेक रहे हैं। देखो कैसा फटाफट हमारा ग्रुप बन गया। अरे
इधर हमारा फुगार है, एक बेड तो हो गया, दूसरा वाला चल रहा है। कुछ फ्रेंड्स लोग घूमने आए थे इधर, हमें यहाँ मिले हैं। हाय गाइस, तो इनके साथ अब ये बोलते हैं कि इनको भी अब कैंपिंग करना है, तो इनके साथ भी अब हम बना रहे हैं प्रोग्राम। ये तो वैसे घूमने आए थे, तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाई कहाँ से हो, तो ये कहते हैं इंडिया से, और ये मेरा भाई नेपाल से है। Yes, I'm from Nepal. My name is Dipender. Dipender Kartik. Abhijit. From Pune. Pune. Punjabi, Odisha, Nepal, Chennai, Maharashtra. लेकिन एक ही देश का है। नेपाल भी भाई भाई है। भाई भाई है, भाई भाई है। बहुत मजा आएगा ऐसा। हम अभी बात कर रहे हैं, जैसे मिल गए, बात कर रहे हैं कि मिलके कैंपिंग करेंगे कभी, आ जाओ। तो अभी ये लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्यूचर में। लेकिन इतना बड़ा ग्रुप, उतना मजा भी आएगा। लेकिन इनको पैग पटियाला ही मिलेगा, जो ऐसे 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 गिनते हैं ना, ऐसे 50 ml का पटियाला मिलेगा इनको। नहीं करेंगे ऊपर से देसी दारू मिले तो और भी वो निकाल लेंगे हम घर पे। तो चलो फिर, ये तो निकलने लगे और हम करेंगे अपनी कैंपिंग। बाय 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 बाय, टेक केयर, हैव फन, सी यू, नाइस मीटिंग यू, ओके ओके बाजी, बाय, हैव फन, टेक केयर। खाना बनाना हमने शुरू कर दिया है, लाइट ऑन, क्योंकि अंधेरा हो गया है, आग जल रहा है और इधर खाना बनाना हम शुरू कर दिए। आज हम बनाए हैं बीन्स। दो ऑप्शन हैं, चने और बीन्स। तो सिंपल सर, बीन्स की बना ले, वो कैन खुल जाएगा हाथ से। हाँ हाँ। के सर्वाइविंग टूल से दूसरा खोलना है। नहीं नहीं, बीन्स ही बना लेते हैं। कैन ओपनर लाना भूल गए हैं। नहीं, बीन्स ठीक है। हैं? बीन्स ठीक है। ठीक है। वैसे बीन्स हमने बनाया भी नहीं कोई भी कैंपिंग में। या, वो रीप फ्राइड है। अभी तो आग के वजह से इतना ठंड तो नहीं लग रहा है, पता नहीं हमको जरूरत पड़ेगी कि नहीं हीटर की। मोस्ट प्रोबेबली नॉट। तो सर ये है फ्रेंड्स, ये है लाइफ ऑफ एक्सप्लोर, लाइफ टू एक्सप्लोर एंड लाइफ ऑफ गोगी। मिलके देखो क्या धमाल कर रही हैं। अभी यार स्नो में आके खाने बन रहे हैं पकवान, और रिफ्लेक्शन क्या आता है यार। अभी जो रिफ्लेक्शन है, सच में पता नहीं कैमरा में कितना आएगा। लेट मी ट्राई टू शो यू। नो, नहीं आ रहा है। नहीं, कितना इसके साथ? नहीं, इसके साथ कितना भी आएगा, आई डाउट नहीं आएगा, इतना नहीं आ रहा है। नहीं आएगा, नहीं इतना लो लाइट में, तो उसके लिए लो लाइट वाला कैमरा भी चाहिए। इधर ब्रिटो वगैरह में यही पड़ता है। रिलैक्स करेंगे, फिर इसको गर्म करके बाद में खा लेंगे। खा लेंगे चपाती, आग चपाती आग में सेक लेंगे। यस, दोस्तों बैठे हैं हम, मैं और श्री भाई। आज कुछ फ्रेंड्स मिले, तो पहली बार मिले, वो भी इधर क्या आपके ही प्रोफेशन का काम करते हैं ना? हाँ, हमारा आईटी में है, और मैं जो डोमेन में हूँ वही डोमेन में है वो। हाँ, लोग काम कर रहे हैं। तो वो ऐसे ही इधर आए थे घूमने, तो मिल गए, और इतना बड़े बढ़िया लोग थे। अभी बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो कैंपिंग करना चाहते हैं हमारे साथ, तो चलो देखते हैं कैसा है। तो बाकी लाइफ जीने का फंडा श्री भाई, मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ कि लोग हमेशा पूछते हैं आप ऐसे कैसा कर लेते हो, मैनेज, या ये तो ये मैनेज नहीं होता, ये तो बस खुद के लिए समय निकालना होता है। क्यों सर, है ना, आपकी जिंदगी जीना है तो समय तो निकालना ही पड़ेगा खुद के लिए, नहीं तो जिंदगी का। वैसे हर लोग तो बिजी ही हैं,
हम लोग भी बिजी हैं, बिजी जिंदगी में से ही टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सारी जिंदगी पैसे बनाते रह गए और खुद के लिए नहीं जिए तो वो जीना क्या, कुछ जीना नहीं, मैं उसको जीना नहीं मानता। मैंने ये 3-4 साल पहले सब छोड़ दिया कि देखो काम का ये लोग, नहीं यार खानी तो हमने एंड में एक दो रोटी ही है, क्यों सर दो रोटी खानी है, क्या चाहिए। तो मेरे हिसाब से जब बंदा कोई पैसे के पीछे भागता है ना तो पैसा उसके आगे आगे भागता है तो वो पकड़ नहीं पाता। तो जब बंदा मुंह मोड़ के वापस आ जाए ना तो पैसा भी उसके पीछे आना शुरू हो जाता है। तो पता नहीं मेरी लोगों को फिलॉसफी या जो भी मेरी थॉट्स है अच्छी लगे किसी को, किसी को नहीं भी लगेगी। तो आई थिंक श्री भाई और मेरी इसलिए इतनी बनती है कि हम दोनों का ही सेम ही फंडा है, कुछ कंसेप्ट वही है लाइफ में। लाइफ मिला है जियो, मतलब हम तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ही रहे हैं सारी चीज़ का, उसके साथ साथ जिंदगी जीना भी जरूरी है। नहीं तो ऐसा जब हम लास्ट मोमेंट में जाएंगे ना सर, पीछे मुड़ के जब देखेंगे लाइफ, ऐसा नहीं लगना चाहिए यार मैंने कैसा लाइफ जिया। तो थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए एडवेंचर, जिंदगी जैसा पसंद है, जरूरी नहीं कि आप आके कैंपिंग करो। नहीं नहीं कैंपिंग नहीं, इसको क्या पसंद, किसी को क्या पसंद है, लाइक खुद के लिए जियो। मैंने पहले भी जो पसंद है दिल से जो पसंद है बस वही चीज करते हो। थोड़े से वर्ड्स मैंने पहले भी बताए थे कि कुछ ज्यादा नहीं है इसके लिए कि आप अपना बचपन ही जी लो फिर से एक बार, तो आपका आपको कोई गम नहीं रहेगा जब आप जाओगे दुनिया से, कोई भी सबको जाना है तो कोई गम नहीं रहेगा कि इतना तो होगा कि हाँ हमने जी लिया है। ठीक है, तो ये आना भी सच है और जाना भी सच है सर। अगर आए हो तो जाना तो होगा ही दुनिया से, है ना। तो अगर उसके देखो मैं पहले भी बोला था कि इंसान अपने डिसीजन खुद बनाए ना वो कामयाब होता है, क्योंकि पहले बच्चे होते हैं चलो आपके माँ बाप आपके लिए डिसीजन बनाते हैं कि आप ये स्कूल जाओ, ये करो, ये पढ़ाई करो, नहीं तुम्हें तो इंजीनियर ही बनना है, नहीं तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना है। नहीं भाई, उसको वो बनने दो जो वो बनना चाहता है बच्चा। तो मैंने अपने बच्चों को कभी फोर्स नहीं किया कि तू ये बन, तू ये बन, तू ये बन, कभी नहीं। किसी पूछ लो जो मना करो, ठीक है, लेकिन जो करो उसको इतना अच्छा करो कि दिल से करो, दिल से करो, जो करो दिल से करो, रास्ता अपने आप बनता। हाँ, हम देखो हम, मैं और श्री भाई अपने बीवी बच्चों को खुश रखते हैं, वो भी घूमते हैं, क्यों सर, एंजॉय करते हैं हम, लेकिन हम अपना भी एंजॉय करते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं। अभी थोड़ा टाइम के लिए दूरी है, दूरी मिट जाएगा। अब श्री भाई से पूछते रहते हो कि वो बच्चों को नहीं लेके, अभी कर रहे हैं, मैं श्री भाई को वही मैं कर रहा हूँ कि वो सब सब कुछ हो जाएगा, राइट टाइम पे आपको दिखने को मिल जाएगा, हर चीज का सही समय होगा। कोई भी चीज में रस नहीं गए, लाइफ जैसा लेके जाता है ना वैसे जीना है। ये देखो, अरे सही है यार, मस्त लग रहा है वो, बहुत टेस्टी है सर। थैंक यू इंडिया फॉर सेंडिंग श्री भाई मेरे लिए। 3 बार कैंपिंग किए, दिस इज द थर्ड टाइम राइट। अरे यार श्री भाई इतना नशा हो गया कि अभी देखो क्या बोल रहे हैं। नशा नहीं हो, कैंपिंग का नशा, इतना नेचर का नशा, मैं बोल रहा हूं नेचर का नशा की कसम से मैं बोल रहा हूं। मैं श्री भाई इस लाइफ के बिना अब मैं जी नहीं सकता, कि ये अब मेरे लिए, अब ये मेरा ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ है कि मैं अब कैंपिंग के बिना नहीं जी सकता। इतना मजा आया, मैं पहले डरता था, श्री भाई को बोलता था, लेकिन मैं आपको सच पे बता रहा हूँ कि यार जीना इसी का नाम है, यही है जीना। जो लोग जी रहे हैं ना वो भीड़ में, भीड़ भाड़ में, वो जीना नहीं है, वो जस्ट ट्राइंग टू कुछ वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को प्रूव करने की कोशिश, लेकिन जीना सर फिर भी है। तो आपको लोग डरा रहे हैं, कहां कर रहे हो पहाड़ जंगल। अरे नहीं यार मुझे मैं डरता ही नहीं, मुझे अगर मुझे इधर आके शेर भी खा जाए ना मैं फिर भी नहीं डरता, मुझे खा जाए लेकिन आई हैव लिव्ड द एवरी सेकंड एवरी लाइफ ऑफ माय मोमेंट, सीरियसली ट्रस्ट लाइफ इज ब्यूटीफुल, लिव एवरी मोमेंट, लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड लिव एवरी मोमेंट एंड Life is to explore. This is why Shri Bhai's channel is Life to Explore. And Life of Gogi तो आपको पता ही है कि मैं तो वही ही ऐसा। So love you guys. बहुत प्यार है आपसे। ठंड काफी है, पूरा ग्लोव्स 2-3 लेयर गया, 5 लेयर हो गया, गोगी जी का भी 4-5 लेयर, मेरा भी 4-5 लेयर। अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि हमको हीटर की जरूरत पड़ेगा अंदर। अगर पड़ेगा तो रात को ऑन करेंगे, मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगा क्योंकि अभी शाम को बहुत कंफर्टेबल लग रहा है टेंट के अंदर, तो स्लीपिंग बैग के साथ एकदम बढ़िया लगेगा।
तो मुझे लगता है ना ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, कल सुबह आपको दिखाएंगे होपफुली अगर पॉसिबल रहा तो विद एरियल व्यू, फिर कल सुबह भी ब्रेकफास्ट बनाएंगे, इधर टाइम स्पेंड करेंगे, वो आएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। आई थिंक स्नो भी चांसेस, स्नोफॉल हाँ मैं बोला है बहुत बार, तो अगर वो भी हुआ तो वो भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय जगन्नाथ। कैसे सर? कम पता नहीं 10-15 लेयर रहेंगे -7-8 डिग्री में सोने के लिए ऐसा ही चाहिए रहता है। मैं ना उल्टे कर देना, हाँ कर देता हूँ, अंदर स्नो आ जाएगा। ओके स्नोफॉल तो होगा ही, स्नोफॉल तो होगा ही, प्रेडिक्शन मुझे लग रहा है क्योंकि माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। मैं भी आ जाता हूँ, ऑल सेट। ओके साला तीन आपका तो पता नहीं, मेरा तो सिर्फ एक ही लेयर, मतलब लेयर क्या, जैकेट का लेयर जितना है बस उतना है, बस स्लीपिंग बैग। जितना प्यार करोगे हम उतना एक्सट्रीम में जाएंगे, क्यों सर? सही है। अरे चलो श्रीकांत भाई आपके साथ सो जाओ। सर दो सेपरेट है, आप मेरे साथ सो जाओ, फिर आप सो। ओहो भाई साहब अच्छा है यार, मेरा भी ये देखो ये कंबल, एक कंबल सर, कंबल लो आपका तो कितना, नहीं मुझे नहीं चाहिए ले लो, रात को बर्फ आ। गुड नाइट गाइस, कल मिलते हैं सुबह। गुड नाइट गाइस, कल मिलते हैं सुबह।